तो वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं अब विभिन्न समितियां के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की भी मांग रखी जा रही है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में मांग रखी गई है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कुल्लू से ब्यूरो प्रिया शर्मा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में मांग रखी कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु कड़े तथा ठोस कदम बनाए जाए जिससे महिलाओं की सुरक्षा महिलाएं सुरक्षित रह सके। महिला समिति भी आज कुल्लू के अंदर ये प्रदर्शन कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं देश की सरकार से कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन ये कहीं भी धरातल पर दिखता नहीं नजर आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड से हम कहना चाहते हैं कि हर साल 15 अगस्त को जो है हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से जो है एक आह्वान करते हैं महिला सुरक्षा की बात को लेकर, तो दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जिस तरह से पिछले साल जो है एक तरफ वो कह रहे थे कि हमें महिला का सम्मान करना चाहिए, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि हमें उनका जो है आदर करना चाहिए, दूसरी तरफ हमने देखा कि उन्होंने बिल्किस बानो के जो अच्छे 11 आरोपियों को जो है जेल से रिहा किया था। आज भी जो हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यही बात दोहरा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं राम रहीम जैसे और आसाराम जैसे बलात्कारियों को जो है उन्होंने जेल से रिहा कर दिया और पैरोल पर छोड़ दिया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप किस तरह का संदेश जो है जनता को देना चाहते हैं। दूसरी बात की जो हमारे मांग है आज जनवादी महिला समिति की, हमारी ये मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन निर्धारित की है महिलाओं के लिए, तो हम कहते हैं कि उसका सही से पालन किया जाए और जो है हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज हो प्राइवेट हो या फिर जो हमारी महिला साथी कर्मी जो है किसी भी डिपार्टमेंट में काम करती तो उनकी सुरक्षा का जो है प्रावधान किया जाए, उनके रेस्ट रूम का जो है इंतजाम किया जाए, उनको जो है जो ड्रेसेज चेंज करती है उसके लिए रूम अवेलेबल किया जाए। तो इन सभी मामलों को लेकर हमने जो है इन मांगों को लेकर जो है हम यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति जो एक महिला है तो महिला को सुरक्षा को लेकर जो है कड़े से कड़े कानून बनाए। अगर उन्हें जो हमारी कलकत्ता के अंदर जो ट्रेनिंग डॉक्टर पीड़िता है उसको न्याय दिया जाए और जल्दी से जल्दी जो है न्याय दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाए, और यही इन सभी मांगों को लेकर जो है हमने प्रदर्शन किया है। अगर ये सब मांगे नहीं मानी जाती तो आगे भी हम इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे।